हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रसोई ट्रीट्स। आज हम एक ऐसा व्यंजन बनाने वाले हैं जो न सिर्फ सिंधी घरानों में बनता है बल्कि एज अ स्ट्रीट फूड भी बहुत ही मशहूर है। दाल पकवान, ये कई सारी सिटीज में जैसे जयपुर, बॉम्बे, गुजरात, इंदौर, महाराष्ट्र एज अ स्ट्रीट फूड बड़े चाव से खाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पकवान बनाने के लिए 250 ग्राम मैदे में एक छोटा चम्मच तेल मिलाएं, आधा चम्मच नमक मिलाएं, आधा छोटा चम्मच शाहजीरा डालें, इसे अच्छे से मिला लें। पकवान में ज्यादा मोयन नहीं डलता, बस 250 ग्राम एक छोटा चम्मच काफी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटे को सख्त गूंद लें। पकवान के आटे को पूरी से थोड़ा सख्त गूंदना है। दाल पकवान बहुत ही आसान नाश्ता है। पकवान को हम एक दिन पहले भी फ्राई करके रख सकते हैं और जब खाने का मन करे तो दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये इतना स्वादिष्ट नाश्ता है कि इसे आप एक बार बना के खाओगे तो आपको इसको बार बार खाने का मन करेगा। अब आटे को थोड़ा तेल लगा लें। हर साल 11 अप्रैल को दाल पकवान दिवस मनाया जाता है। आटा गूंद के 15 मिनट ढक के रखें। 15 मिनट के बाद हम मैदे को फिर से अच्छे से गूंदेंगे। मैदा या आटा अगर उसे गूंदने के बाद अच्छे से मसला जाए तो उसकी रोटी या पूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब इस मैदे से छोटी छोटी पूरी जितनी लोइयां बना लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हर एक लोई को आटा लगा के हम पतला बेल लेंगे। दाल पकवान की तरह कोकी भी सिंधी रसोई में नाश्ते पर बनाई जाती है, जो बहुत ही फेमस और लजीज नाश्ता होता है। अगर आपने मेरा कोकी का वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करें। पकवान को हमें पतला ही बेलना है। अब एक फोर्क की हेल्प से पकवान पर निशान बना लें ताकि ये तलने के टाइम फूले नहीं। इसी तरह सब लोइयों को बेल के रखें। गरम तेल में पकवान फ्राई करें। हमें फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है और पकवान को घुमाते जाना है। अब पकवान को पलटा लें और ब्राउन होने तक फ्राई करें। पकवान तल चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार सब पकवान फ्राई कर लेंगे। 250 ग्राम मैदे से करीबन 12 पकवान बनते हैं। अब बारी है पकवान के साथ दाल बनाने की। कुकर में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करें। गरम तेल में एक छोटा चम्मच जीरा डालें, दो बड़े चम्मच कटी हुई हरी मिर्च और दो बड़े चम्मच कटी हुई अदरक मिलाएं, दो बारीक कटे हुए प्याज मिलाएं। अब इस मसाले को हमें सुनहरे होने तक भूनना है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज के बिना भी ये दाल बना सकते हैं। अब इसमें एक छोटा कटा हुआ टमाटर मिलाएं। इस दाल में ज्यादा टमाटर नहीं डलता। आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और मसाले को अच्छे से घुमा लें। इस दाल को बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। इस दाल को दो तरह की दालों को मिलाकर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चना दाल ली है जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी। अब इसमें 100 ग्राम पीली मूंग की दाल मिलाएं, ये भी मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी। अब
अब इसमें आधा कप पानी मिलाएं और घुमा लें। इसे दो विसल लगने तक पकाएंगे या जब तक कि दाल अच्छे से गल जाए। दाल अब अच्छे से गल चुकी है। दाल को घुमाने से दाल मैश हो रही है। इस दाल को हमें पूरा मैश नहीं करना, हमें हल्के हाथों से ही घुमाना है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक मिलाएंगे। चना दाल में प्रोटीन पाया गया है और बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाएंगे। अब भी दाल बहुत ही गाढ़ी है, इसमें आधा कप पानी मिला के हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि चना दाल अच्छी तरह गल चुकी है, पर इसे हम पूरी तरह मैश नहीं करेंगे, बस हल्के हाथों से घुमाएंगे। अब दाल में तड़का लगाएंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में एक चम्मच घी गरम करें। गरम घी में एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर मिलाएं, एक चम्मच धनिया पाउडर मिलाएं, आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर मिलाएं, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएं, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर मिलाएं और एक दो सूखी हुई लाल मिर्च डालें। गैस को बिल्कुल लो रखें। अब इस तड़के को 2 मिनट के लिए घुमा लें। इस तड़के को अब दाल में मिला लें। बस हमारी दाल तैयार है। दाल पकवान एक ऐसा व्यंजन है जो सभी भारतीय खाना पसंद करते हैं, जैसे डोसा, छोले भटूरे, दाल बाटी चूरमा। इस दाल के ऊपर आप इमली की चटनी और कटा हुआ प्याज डाल के सर्व करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।